योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा प्रदेश की बिगड़ी बिजली व्यवस्था में तुरंत सुधार कर प्रदेश में हर जिले को 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिदिन नए नए कदम उठाकर ऐसे लोगों से अपने बकाए व बिजली चोरी करने वालों से अपील भी कर जमा करने की बात कह रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि जिले के चाहे वो प्रदेश सरकार का विभाग हो या फिर केंद्रीय विभाग हो, इन पर बिजली का बिल कई सालों से करोड़ों रुपए का बकाया है। अक्सर निजी वसूली के मामले में यूं तो बिजली विभाग अपने आप में ही तेजी दिखाता है, लेकिन बात जब सरकारी महकमा से बिजली बिल के बकाया की आती है तो विभाग की तेजी अपने आप ठंडी पड़ जाती है। यही वजह है कि अकेले कन्नौज जिले में ऐसे सरकारी विभाग है जिन्होंने सालों साल से बिजली बिल का बकाया जमा नहीं किया, जिस कारण उन पर हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की देनदारी हो चुकी है। ऐसे विभाग केवल राज्य सरकार के अधीन वाले नहीं है बल्कि केंद्र सरकार के अधीन वाले BSNL व रेल विभाग इन लंबे बकायेदारों की सूची में शामिल है। जिले के 38 विभाग ऐसे हैं जिन पर बिजली विभाग की 15,12,91,519 रुपए बकाया की देनदारी साल 2017 के फरवरी माह तक की है। वर्तमान में 38 अदद ऐसे विभाग हैं इन पे बकाया है सरकारी तौर पे, जिनमें सबसे बड़ा बकाया जो शिक्षा विभाग का है, बेसिक शिक्षा अधिकारी का, जिसपे 7,59,00,000 रुपये बकाया है। इसके साथ ही BSNL डिपार्टमेंट पर 2,64,00,000 का बकाया है। यानी रेलवे का 60,00,000 का बकाया है। जल निगम के ऊपर जो 1,64,00,000 का बकाया है। CMO शाह के कार्यालय दफ्तर का ये सब मिलाकर 1,37,00,000 का बकाया है। इस प्रकार मूलतः ये बड़े बकाए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हीं रेलवे का 60,00,000 का बकाया है और BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड इसका 2,64,00,000 का बकाया है। इन्हें जो है सूचित कर दिया गया, सेक्शन 3 के माध्यम से भी सूचित किया गया है। बीच में विद्युत विच्छेदन भी कराया गया था लेकिन उनके रिक्वेस्ट पर जोड़ दिया गया था। उनका कहना है कि बजट की मांग की गई है और शीघ्र भुगतान कराए जाएंगे। टोटल कितने विभाग है, कितना बकाया टोटल सर? टोटल सर दोनों विद्युत खंडों में, दोनों विद्युत खंडों में कुल मिलाकर के 15,12,00,000 का बकाया है जो सरकारी डिपार्टमेंट है।